मोदी का तोड़ राहुल गांधी, मोदी का तोड़ राहुल गांधी। 2014 से पहले हमें हिंदू मुस्लिम का नहीं पता था, लेकिन इन्होंने पता लगा दिया कि हिंदू मुस्लिम। भगवा कपड़े वाले करेंगे क्या, लूट के खा रहे हैं देश को। मुस्लिम आखिर है किसके साथ? बीजेपी। बीजेपी के साथ? बीजेपी काम बढ़िया करवा रही, जब से सत्ता ही है बीजेपी की काम अच्छे हो रहे, गुंडा राज खत्म हो गए, सारे मामले खत्म होते। 2024 को लेकर अब धीरे धीरे पार्टियों ने जोर लगाना शुरू कर दिया है और अब की बार सभी का कहना है कि मुस्लिम हमारे साथ। लेकिन हमारा सवाल है जनता से कि क्या अब की बार मुस्लिम बीजेपी को सपोर्ट करेगा या फिर वो गठबंधन के साथ जाएगा। तो यही बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं सहारनपुर में, मुस्लिम समाज से ही बातचीत करेंगे। क्या 2024 में बीजेपी जीत हासिल कर पाती है, हैट्रिक लग पाती है, नहीं लग पाती है? क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सुल्तान है। सुल्तान जी, सुल्तान जी ये बताओ अब की बार सल्तनत किसके हाथ में आने वाली है, बीजेपी के हाथ में आने वाली है किसी और के हाथ में? किसी के भी हाथ में है, हालात तो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अच्छा, ऐसी क्या नाराजगी हो गई? देख लो तुम्हारे सामने कोई मन नहीं करता किसी के बदले। अच्छा, मन नहीं करता वोट देने का? बीजेपी ने काम बेहतर नहीं किया क्या कुछ? बस बीजेपी क्या काम तो पता नहीं कौन कौन कर रहा है, नाम बीजेपी का है। अच्छा, जो नहीं बीजेपी में वो भी काम कर रहा। अच्छा, कुछ 10 साल में बेहतर हो पाया है, नहीं हो पाया? बस मैं इस बारे में नहीं बता सकता क्योंकि मैं इस बारे में बहुत कम जानकारी रखता हूँ। अच्छा, राजनीति के बारे में कम जानकारी रखते। ये तो कह रहे हैं, क्या नाम है भाई? चांद। चांद भाई ये बताओ, 2024 आने वाला है, धीरे धीरे पार्टियां जोर मार रही हैं, गठबंधन अपनी तैयारी कर रहा है, बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन मुस्लिम समाज की अगर जो बात की जाए, सभी कहते हैं हमारे साथ। अगर जो उधर अखिलेश यादव की देखें तो वो कहते हैं हमारे साथ, बीजेपी कहती है हमारे साथ। तो क्या लगता है मुस्लिम आखिर है किसके साथ? बीजेपी। बीजेपी के साथ? बीजेपी काम बढ़िया करवा रही, जब से सत्ता ही है बीजेपी की काम अच्छे हो रहे, गुंडा राज खत्म हो गए, सारे मामले खत्म होते जा रहे। दूसरी बात, हाईवे ऐसे बन गए बढ़िया। अच्छा। काम भी सही चल रहा है लोगों का, तनख्वाह भी यानी कि बढ़िया मिल रही, जो पहले सेल कम से कम 12,000 रुपए नौकरी मिला करती है, वो 20,000-22,000 प्लस जा रही है। अच्छा। सबकी अच्छे, बेरोजगारी भी तो बेहतरी हो गई बीजेपी सरकार में। ये तो हर सरकार में होते हैं बीज गोरी भाई साहब, अब बाजार में काम नहीं होना, वो तो सब पे ही असर पड़ता है थोड़ा बहुत। अच्छा, ज्यादा असर नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन सरकार अच्छी है। सरकार अच्छी लगी मतलब आपको? तो 2024 में अब की बार हैट्रिक लगेगी या नहीं लगेगी? बिल्कुल 300 पार। 300 पार है जी, इनके साथ लगेगी मोदी की। अच्छा, इनके साथ। आपको क्या लगता है किसकी? मोदी की सरकार आ रही है। मोदी की सरकार है जी, मोदी की सरकार। पता नहीं भाई क्यों, कौन सा काम किया मोदी ने जो वोट दिया? अच्छा, कौन सा काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया, कोई बेहतर नहीं हुआ काम, कोई काम नहीं कर दिया। तो क्या लग रहा है फिर अब की बार क्या होगा? जो भी होगा वक्त में पता लगेगा। गठबंधन मतलब अपनी तैयारी जैसे कर रहा है, गठबंधन की जीत होगी? गठबंधन की जीत हो सकती है। हो सकती है, है भाई, गठबंधन की जीत हो सकती है क्या 2024 में? 2024 में देखना होगा, अभी तो पुलवामा जैसा कुछ ना हो तो गठबंधन जीत हो सकती है। अच्छा। अगर बड़ा कांड रहता है कुछ भी, जो अभी तक सत्यपाल मलिक की बातें सामने आई थी कि उन पर आरोप किए कि ये, अगर वो चीज़ें रही तो फिर मोदी जी आएंगे, मोदी की जीत आएगी। जीत तो अभी देखना होगा ना, उससे पहले क्या क्या होता है। अच्छा। जब प्रोपेगेंडा जो तैयार किए जा रहे हैं, अगर वो नहीं हो पाते तो गठबंधन की जीत संभव है। अभी ये सब चीज़ देखने की है कि विकास में बात होगी या और अदर जो मुद्दे हैं। बीजेपी तो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, विकास इतना कर दिया कि कहीं भी चले जाओ सारी जगह विकास दिखेगा। बात कहने से नहीं होती विकास की, ये दिखता है सांप्रदायिकता पार्टी है। हर बार देखा गया है धर्म को लेकर राजनीति चल रही है। अच्छा। खासतौर तो यूपी में तो आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, हिंदू मुस्लिम की गठबंधन के पास चेहरा कौन सा दिखाई देता है जो मोदी को टक्कर दे दे? बात चेहरे की नहीं है, बात एकता की है। अगर बात एकता, राहुल गांधी। अच्छा, हाँ राहुल गांधी कह रहे हैं उनकी तो सदस्यता ही चली गई। कौन कह रहा सदस्यता चली गई? सदस्यता चली गई बस, उसकी राजनीति खत्म हो गई। वो तो खुद लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ अपनी, की लड़ाई लड़ रहे हैं तुम सदस्यता बचाने। ये चैनल भाजपा का है किसका है? ये तो जनता का है। जनता का है तो फिर राहुल गांधी है। राहुल गांधी, हाँ राहुल गांधी है। लग रहा है आपको राहुल गांधी अब की बार बीजेपी है? अच्छा, अब के है राहुल गांधी बीजेपी को टक्कर देंगे पूरी? बीजेपी तो खत्म है अब के।
खत्म गई हैट्रिक बिल्कुल है जी। बेरोजगारी कितनी हो रही है, रोजगार कहाँ है, कितने परेशान है लोग। बीजेपी तो कह रही है हमने सबको रोजगार दिया, आप बताइए, आप तो घूमते हैं, आप तो चैनल वाले हैं, कितनी बेरोजगारी है जी। दिल में ला रहे हैं ये बीजेपी का क्या 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 क्या। टमाटर तो सस्ता क्वार्टर है, टमाटर छोड़ो दारू पियो, और महंगाई देखो कहा यार, मजदूर कमा रहा 400 आज, टमाटर हो रहा 100 रुपए किलो, 20 रुपए वाला माल, जितना बुरा हाल कर रखा है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है सड़क के ऊपर, जो ईद की नमाज होती थी। गुलाम कावड़िए जा रहे, ये क्या है, पक्षपात है क्या है? तो रहे कि अपनी मस्जिदों में पढ़ो, वहाँ कौन मना कर रहा है? तो उसको जो ये साल में एक ही दिन तो होती है नमाज, एक वगैरह पे बिल्कुल रोकथाम थी, लेकिन इनके लिए खुले छोड़ रहा है, पूछ पर वर्ष हो रही है, नमाजियों के लिए सब रोकथाम है, मस्जिदों में ताला लगवा दिए, बराबर होना चाहिए सबके लिए, बराबर बराबर होना चाहिए। हाँ हमें मंदिर मस्जिद से कोई मतलब नहीं, हमारे लिए मंदिर भी इतना ही है, मस्जिद भी इतना ही है, हमारा देश सेकुलर है, सबको साथ लेके चलना चाहिए। जब से बीजेपी सरकार रही है कोई एकजुट नहीं है, सब अपने अपने भेदभाव कर रही है बीजेपी। 2014 से पहले हमें हिंदू मुस्लिम का नहीं पता था, लेकिन इन्होंने पता लगा दिया कि हिंदू मुस्लिम कौन है। हिंदू मुस्लिम हो गया और कुछ नहीं है, बस इस मोहल्ले के अंदर, इस मोहल्ले में इतना एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो आराम आराम से। एक एक बंदा अगर जो बोलेगा तभी आवाज इसमें जा पाएगी, तभी दूसरा आवाज सुन पाएगा, इसलिए एक एक बंदा आराम आराम से बोलो। पुल वगैरह बने नहीं, हाँ। ये बीजेपी ने नहीं बनवाए। अच्छा। ये कांग्रेस की राजनीति थी शुरू से ही। अच्छा। उनके रजिस्टर हुए थे, ये जो काम चल रहे हैं अब। अच्छा। और आगे कांग्रेस आएगी, काम ही तो कांग्रेस में रहे, इन्होंने तो बेच बेच के खाया सब, ये बेच रहे सब अडानी को, इन्हें 10 साल में काम नहीं किया कुछ भी, बेचा सब बेच दिया। अडानी पार्टी है, अडानी की पार्टी है वो तो, बीजेपी अडानी की पार्टी। अच्छा हाँ जी साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, काम किसी का भी हो, जो मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, उनको रोजगार मिलना चाहिए, और ये एक दूसरे को आपस में बंटवाना मत चाहिए। सबसे यही है, सरकार किसी की भी आओ, किसी की भी जाओ, पब्लिक को इस बात से कोई मतलब नहीं है, चाहे योगी आओ, चाहे राहुल आओ, चाहे मायावती आओ, मेन बात यह है जितने भी हम लोग हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको एकजुट करने की बात करें, ना कि उसे भड़काने की बात करें। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा माहौल खराब करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, एक दूसरे को बांट रहे हैं, सबसे मेन चीज है एक दूसरे को आपस में मिला के चलो, सब धर्म मिलके रहो, सेकुलर देश है, सेकुलर रहेगा। अच्छा। ना इसमें कोई कानून आ सकता, ना कुछ आ सकता, हम सब हिंदू मुस्लिम एक है, समझ रहे आप, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद फरमान है भाई। मोहम्मद फरमान का कहना है कि जो ये धर्मों के साथ गलत हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और बीजेपी ऐसा करवा रही है। ये भाई ने बहुत अच्छी बात कही। एक चीज और बताना चाहता हूँ सर, मैं शेखपुरा कदीम डेरा बंदर नवाज सहारनपुर से हूँ। हम सब धर्म के मानने वाले हैं, हमारे गुरु जी ने हमें ये सिखाया। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बात कही भाई नदीम ने। क्या नाम है भाई? अहमद अंसारी। अहमद अंसारी, क्या सच में ही कुछ भेदभाव हो रहा है ऐसा बीजेपी सरकार में है? नहीं, हाँ जी बिल्कुल भेदभाव हो रहा है जब से बीजेपी सरकार आई है। अच्छा, पहले सब कुछ ठीक था, ऐसा कभी होता ही नहीं था, हिंदू मुस्लिम सब एक थे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ ही 2024 में क्या लगता है? बीजेपी कह रही है कि अब की बार हम वापिस आएंगे, गठबंधन अपनी तैयारी कर रहा है, क्या लगता है? कुछ नहीं होगा सर, बीजेपी आएगी नहीं इस बार। आएगी नहीं? नहीं सर। तो हैट्रिक खत्म हो गई? बिल्कुल सर, जी चाचा। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस ये भी आ सकते हैं, मगर इनकी विचारधारा अच्छी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं अच्छी है इनकी, ये 100 साल भी नहीं जाते अगर जो इनकी विचारधारा सही होती। अच्छा, मोदी जी 100 साल नहीं जा सकते, मगर जिनकी विचारधारा गलत हो गई है। अच्छा, विचारधारा के ऊपर, विचारधारा की बात ये भाई साहब, हिंदुस्तान है सबका देश है, ये किसी को दिक्कत नहीं है, एक दूसरे का सबका काम है। मेरे पास भी 2 आदमी हिंदू काम करते हैं, तो सबका मान सम्मान होना चाहिए। ये क्या टोपी वाले को देख के ये कहानी गलत है, ये अच्छा नहीं होना चाहिए। पर बीजेपी तो कह रही है कि लॉकडाउन लगा था, सबको राशन दिया, सबको मकान दिए, रोड बनाई, सबके लिए बनाई। राशन की बात छोड़ो, मोदी जी ने काम अच्छे करे, हम इनके नहीं है, मगर जो है कांग्रेस ही है जो उसका मुकाबला कर सकती है, सिर्फ राहुल गांधी, जिससे डर लगता है उसको, सिर्फ राहुल गांधी है। मोदी का तोड़ राहुल गांधी, मोदी का तोड़ राहुल गांधी, मोदी का तोड़ राहुल गांधी। 2019 में कहाँ गए थे वो, 2019 में कहाँ पहुँचा दिए थे? जब तुमने भाई मानना कर लिया था सारी ईवीएम के अंदर, कर्नाटक के बाद में यहाँ छीन नहीं है। अच्छा। जैसे कर्नाटक में आए नहीं, ऐसे ही महाराष्ट्र में आएंगे अब, और ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही भारत में, ऐसे ही भारत में आएंगे जी।
अगर मशीनों में गड़बड़ ना हो ना तो हुकूमत कभी जीतते ही ना, हक मशीनों के गड़बड़ से जीत रही, मशीनों ने गड़बड़ी कर रखी बस। तो 2024 में क्या होगा फिर? इंशाल्लाह कोई ना कोई हुकूमत बदल के आवेगी, बदल के आवेगी। हाँ जी, जो कोई भी आवे बस, जो नहीं आनेगी बीजेपी नहीं चाहिए बस। इसने महंगाई दुनिया भर की कर रखी, झगड़े दुनिया भर के, संबंध बना लिया अब की बार राहुल गांधी का बस। राहुल और कोई नहीं अच्छा लग रहा क्या जी? और कोई नहीं अच्छा लग रहा? ये भगवा के बड़े वाले करेंगे क्या, लूट के खा रहे देश को? राहुल गांधी नु कह रहे मुसलमानों को डर लग रहा भारत में। हाँ बिल्कुल, तो डर इसमें इसी हुकूमत से तो लग रहा हमें डर भारत में। भारत तो हमारे सब भाइयों का है, हिंदू मुस्लिम का भारत है, हमारा भारत है, संविधान है। इन्होंने डर लग रहा भारत में, गलत बिल्कुल। हम आपस में भाई भाई है। ये भाजपा कहाँ से आई? हम तो आपस में भाई भाई हैं। तो आपने देखा भाई, यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत करी और इनका साफ तौर पर कहना है कि अब की बार हैट्रिक नहीं लगने वाली। आपको क्या लगता है? आप भी जाइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट कीजिए, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।